पंजाब का सियासी मैदान जट्टों और अराइयों का खड़ा। जट्टों की नुमाइंदगी चौधरी परवेज इलाही कर रहे हैं। चौधरी सरवर अराई बरादरी केस और खेल बंद कर उभरे हैं। ये सर्वर को कंट्रोल करें यार, सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें, आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसने ना चले यार, ये सर्वर को कंट्रोल करो। चौधरी परवेज इलाही का जहांगीर तरीन से मुकालमा, मेहरबानी करें आपके चीफ मिनिस्टर को इसने चलने नहीं देना। तारिक बशीर चीमा का तरीन से शिकवा, इत्तेहादियों में इख्तलाफात होते रहते हैं, अगर घर में बैठकर बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। चौधरी सर्वर से अच्छे ताल्लुकात हैं। चौधरी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बैठने का मकसद ये होता है कि वो अपना गिला जो है पार्टी के साथ, किसके साथ कुछ ज्यादती हुई है, ताकि वो बात करें। अगर हम आपस में बैठ के घर में भी बात नहीं करेंगे अपने साथियों के साथ, तो फिर पार्टी कैसे चलती है, फिर गिले कैसे दूर होते हैं, फिर कैसे कामयाबी होती है। जब फैसला किया आपको चीफ मिनिस्टर बनाने का, तो बड़े मेरी अपनी पार्टी आज जाहिर किए, लोगों को एक तसव्वुर है कि चीफ मिनिस्टर बादशाह सलामत हो, बड़े बड़े महलों में रहे, बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स हो, कम से कम उसका कोई 30-40 करोड़ रुपया एंटरटेनमेंट बिल हो कोई 2-3 सालों में, और ये एक तसव्वुर था पंजाब में बादशाह। इमरान खान ने पीटीआई में उस्मान बुज़दार की मुखालफत का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं जब उस्मान बुज़दार का इंतखाब किया तो पार्टी रहनुमाओं ने एतराज़ किया। पार्टी रहनुमा चाहते थे कि किसी शाही शख्सियत को इस ओहदे पर लगाया जाए। वफाकी हुकूमत 100 रोज मुकम्मल होने से कबल ही आपस के इख्तलाफात का शिकार। स्पीकर असद कैसर ने 3 वफाकी वज़रा की शिकायत वजीर आज़म को लगा दी। कई वज़रा का स्पीकर के अहकामात पर नाराजगी का इजहार। शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बख्तियार और तारिक बशीर चीमा में भी इख्तलाफात की खबरें गरम। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कोई समझौता नहीं होगा, फैसलों पर अमल नहीं होगा तो रियासत नहीं चल सकती। वजीर आजम का लाहौर में शेल्टर होम मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा अब मुल्क बहरान से निकल गया, आने वाले दिनों में गुरबत खत्म करने के लिए एक पैकेज लेकर आएंगे। नवाज शरीफ की सजा मौतली पर नैब की अपील का मामला, नवाज शरीफ ने तफसीली जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में हकायक को मद्देनजर नहीं रखा गया, शवाहिद के बगैर लंदन फ्लैट्स का मालिक ठहराया गया। नवाज शरीफ की नैब की अपील मुस्तरद करने की इस्तदा, सजा मौतली का फैसला बरकरार रखा जाए, मरियम नवाज ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सऊदी अरब से 1 अरब डॉलर एक दो रोज में पाकिस्तान आ जाएंगे। IMF से कर्ज के टारगेट का तायुन नहीं हुआ। पाकिस्तानियों की दुबई में 4,000 गैर कानूनी जायदादों का पता लगा लिया गया। 27 ममालिक में 95,000 बैंक अकाउंट्स की मालूमात है। वजीर खजाना असद उमर का कराची में तकरीब से खिताब। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तेआल फायरिंग, 4 शहरी शहीद, शदीद जख्मी। भारतीय फौज ने लीपा सेक्टर में भारी हथियारों से फायरिंग किया। SPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। पनी खराबी के बावजूद तैयारा उड़ाने की कोशिश, पंचकोर एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे की वजूहात सामने आ गई। तैयारे की एक ब्रेक खराब थी, दूसरी ने काम नहीं किया। पनी खराबी से मुतालिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहले से आगाह था। PIA का तैयारा रनवे से उतर गया था। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। इराक में फंसे पाकिस्तानियों की मुश्किलात दूर, 24 न्यूज की काविश रंग ले आई। 120 जायरीन को वतन वापस रवाना कर दिया गया। गफलत बरतने वाले टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज।
बिजली सारिफिन पर एक और बिजली गिराने की तैयारी। एनटीडीसी ने नेपरा को 96 अरब रुपए के बजट की दरख्वास्त दे दी। बजट बिजली के नरखों में शामिल करने की दरख्वास्त। नेपरा 28 नवंबर को जायजा लेगा। तंजीम के नजरिए और मंशूर पर समझौता हो रहा है और ये राबता कमेटी खास तौर पे चंद कब्जागीरों, जागीरदारों और लुटेरों की वजह से कारकुनों में अपना इत्माद खो चुकी है, इसलिए अब पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना चाहिए। क्या चौथी एमकेएम बन गई? फारूक सत्तार कहते हैं पार्टी और राबता कमेटी पर कुछ लोगों का कब्जा है। बुनियादी रुकनियत खत्म करने का फैसला कारकुनों ने मुस्तरद कर दिया। किसी के दुम पर पांव नहीं रखा जो लोग तिल मिला रहे हैं। अब एमकेएम में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। एमकेएम बानी के अख्तियारात किसी को भी नहीं मिले। बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये बात करूं, किसी को भी नहीं मिलेंगे। एमकेएम में सब लोग कारकुन हैं, जिम्मेदारियों पर फायज हैं। जो एमकेएम का नाम और निशान थामेगा वो एमकेएम का सिपहसालार है। ख्वाजा इजहारुल हसन का फारूक सत्तार को जवाब, कहते हैं मुत्तहदा बानी के अख्तियारात किसी को नहीं मिले, सब कारकुन हैं। खालिद मकबूल एमकेएम के सिपहसालार हैं। अजीजाबाद से जीतने वाले मुक्का चौक पर मिठाई तकसीम नहीं कर सकते। आशियाना स्कैंडल, शहबाज शरीफ का मजीद 14 रोजा रिमांड मंजूर। नैब ने रमजान शुगर मिल्स केस में भी गिरफ्तारी डाल दी। रमजान शुगर मिल्स के करीब नाला बनाया गया, तामीर में सरकारी फंड इस्तेमाल किए। शहबाज शरीफ मुझे घूर रहे हैं, धमकी दी जा रही है। मैं प्रोसिक्यूटर के दलाइल गलत बयानी कर रहे हैं, घूरने धमकी देने की क्या जरूरत? शहबाज शरीफ का जवाब। अदालत के बाहर लीगी कारकुनों और पुलिस की झड़पें, कारकुनों के पार्टी सदर के हक में नारे। मरियम औरंगजेब कहती हैं बयानात से लगता है हुकूमत और नैब का गठजोड़ है, जमहूरियत को नैब के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वफाक के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और डीजी नैब लाहौर का एक ही बयान होगा तो उससे ये पता चलता है कि जो हुकूमत का और नैब का गठजोड़ है ये उसका सबूत है। सानिया है मॉडल टाउन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला की तलबी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाप्त जुमे को होगी। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर कौमी असम्बली के इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। स्पीकर कौमी असम्बली 14 रोज में इजलास बुलाने के पाबंद। नून लीग ने इजलास बुलाने के लिए तीसरी मरतबा रिक्वेजिशन जमा कराई। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, चीन से आने के बाद मेरा ये ईमान हो गया कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर है। मैं कभी मर भी जाऊं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचाऊं कि नवाज शरीफ जो है शहबाज शरीफ के मुकाबले में बड़ा चोर नहीं है। शहबाज शरीफ ज्यादा बड़ा यू नो करप्ट एंड डिसऑनेस्ट पर्सन। मेरे दिल से उतर गया चीन के दौरे के। नए साल में करप्ट सियासतदानों का खात्मा देख रहा हूं, शेख रशीद की पेशगोई। कहते हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर है, करप्ट शहबाज शरीफ मेरे दिल से उतर गया है। शरीफ फैमिली से ताल्लुकात अपनी जगह, मगर चोर को चोर कहता रहूंगा। हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक के मूड में नहीं, चाहते हैं हुकूमत अपनी नाकामियों से अंजाम को पहुंचे। नायब अहदेदार ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की नफी की। एहसान इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। धरनों के दौरान तोड़फोड़, 26 करोड़ रुपए का नुकसान। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। कबल चिन्योट में होने वाले सिलेंडर धमाके का ड्रॉप सीन, धमाके में दो बहनें और एक बच्ची जान बहक हुई। मरने वालों के मुबैना तौर पर कत्ल होने का इंकशाफ। अदालत ने ऐसा किसी दिन जवान कब्रिस्तान में कब्र कुशाई करा ली।
बैंक ऑफ पंजाब के सदर नईमुद्दीन ओहदे से मुस्ताफी, अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया। कहते हैं जब ओहदा संभाला तो बैंक दिवालिया था, आज बैंक को मुनाफे के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। लाहौर में साबिक सरकारी मुलाजिम के घर से 33 करोड़ बरामदगी का मामला, मुलजिम महकमा माल का साबिक मुलाजिम निकला। एक भाई हाजिर सर्विस तहसीलदार, दूसरा मनी एक्सचेंज का कारोबार करता है। दोनों भाइयों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। हुकूमत का माहौल दोस्त एकदम, सूबे भर में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। सिंध काबीना ने महकमे माहौलियात की सिफारिशात पर मंजूरी दे दी। 3 महीनों में मरहलावार तमाम अजला में पाबंदी आयद की जाएगी। चौधरी कहते हैं माह रबीउल अव्वल को शायानी शान तरीके से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आलमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। What a stupid question that is. What a stupid question. What a stupid question that is. What a stupid question that is. But I watch you a lot. You ask a lot of stupid questions. अमरीकी सदर ट्रंप एक और सहाफी पर बरहम। सहाफी का अटॉर्नी जनरल को अचानक नौकरी से निकालने का सवाल, ट्रंप ने सवाल को अहमकाना करार दे दिया। कहा तुम्हें मुसलसल देख रहा हूं, बहुत फजूल सवाल करते हो। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानियों ने भी मैदान मार लिया। कांग्रेस और काउंसिल समेत मुख्तलिफ ओहदों पर मिड टर्म इलेक्शन। डेमोक्रेटिक पार्टी के पाकिस्तानी अमरीकन हसन दूसरी बार मैरीलैंड असेंबली के रुकन मुंतखब। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली सबीना जफर कैलिफोर्निया के लोकल काउंसिल के रुकन मुंतखब हो गयी। कैलिफोर्निया में लगी आग हॉलीवुड अदाकारों के घर तक पहुंच गई। लेडी गागा और केटलाइन के घर आग की नजर हो गए। मालिबू के इलाके में लगी आग से हलाकतों की तादाद 9 हो गई।